गुड इवनिंग डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर। एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। जो क्लासिफिकेशन है सॉइल का वो मॉडर्न कंसेप्ट पर होगा, बेस्ड ऑन सेवेंथ अप्रोक्सीमेशन के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है, उस पर हम चर्चा करेंगे। कल के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इंडियन सॉइल्स, आज हम मॉडर्न कंसेप्ट जो क्लासिफिकेशन ऑफ बेस्ड ऑन सेवेंथ अप्रोक्सीमेशन के आधार पर है, इस पर हम चर्चा करेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, निश्चित तौर पर इसमें से परीक्षाओं में एक न एक क्वेश्चन देखने को निश्चित तौर पर मिलेगा, इसमें से क्वेश्चन उठाया जाता है। तो ये जो आज का लेक्चर होगा, कल का, आज का और कल का टॉपिक जो होगा, इसमें से निश्चित तौर पर एक नए क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा परीक्षा में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और मैं आपको मिलता रहे। हमारा ये प्रयास रहता है कि बेस्ट से बेस्ट कंटेंट को कम से कम समय में कवर कराया जाए, और जिस टॉपिक को कवर कराया जाए उससे कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ना छूटे, ऐसा पूरा प्रयास रहता है। आपसे आग्रह है, आप हमारे इससे पुराने वीडियो भी हैं टॉपिक वाइज, उन्हें ज़रूर देखें, निश्चित तौर पर आपको इनमें से परीक्षाओं में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। निश्चित तौर पर आपको उसी आधार पर क्वेश्चन बनाए गए हैं, पेपर के आधार पर आज अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सबको देखते हुए क्वेश्चन आए हैं, उन्हीं के आधार पर ये प्रयास किया गया है, कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉइल। सबसे पहले हम जानेंगे सॉइल क्या है, मृदा क्या है। मृदा क्या है? सॉइल कॉमनली रिफर्ड टू एज ए अर्थ, इसे हम कॉमनली अर्थ कहते हैं, भूमि कहते हैं। और डर्ट इज मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये मिक्सचर है किसका? ऑर्गेनिक मैटर का, मिनरल्स का, गैस का, लिक्विड्स का, ऑर्गेनिज्म, दैट टुगेदर सपोर्ट द लाइफ ऑफ प्लांट ऑर्गेनिज्म, जो सपोर्ट करते हैं प्लांट ऑर्गेनिज्म के लिए। तो मीन्स द सॉइल कॉमनली रिफर्ड टू एज अर्थ और डर्ट इज ए मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स, गैसेस, लिक्विड, ऑर्गेनिज्म, दैट टुगेदर सपोर्ट द लाइफ ऑफ प्लांट ऑर्गेनिज्म। मीन्स मृदा को साधारणतः कॉमनली हम अर्थ कहते हैं, भूमि कहते हैं, या डर्ट कह सकते हैं। डर्ट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये किसका मिक्सचर है? ऑर्गेनिक मैटर का, मिनरल्स का, गैस का, और ऑर्गेनिक मैटर का मिनरल्स है, दैट टुगेदर ये सभी सपोर्ट करते हैं लाइफ ऑफ प्लांट ऑर्गेनिज्म, प्लांट ऑर्गेनिज्म की लाइफ को ये सब सपोर्ट करते हैं। तो ये हम इसे हम मृदा कहते हैं, सॉइल कहते हैं। अब हम बात करें पेडोलॉजी क्या होती है, मीन्स स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पेडोलॉजी, ये पूछ लिया जाता है, मृदा के अध्ययन को हम पेडोलॉजी कहते हैं। अब हम बात करें जो मॉडर्न कंसेप्ट है क्लासिफिकेशन का, मॉडर्न कंसेप्ट, इट यूएस कंप्रीहेंसिव सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन सेवेंथ अप्रोक्सीमेशन, ये सेवेंथ अप्रोक्सीमेशन के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। इसकी 6 कैटेगरी ली गई हैं वर्गीकरण के लिए, जो ऑर्डर बने हैं इसमें 6 कैटेगरी हैं, ऑर्डर, सब ऑर्डर, ग्रेट ऑर्डर, सब ग्रुप, फैमिली एंड सीरीज, ये 6 कैटेगरी को इसमें लिया गया है, इनके आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है। इसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, सबसे पहले जो ऑर्डर आता है इनसेप्टिसॉल क्या है? ये लैटिन वर्ड इनसेप्टम से बना है, लैटिन वर्ड इनसेप्टम से बना है, जिसका अर्थ होता है बिगिनिंग, मींस स्टार्टिंग, मृदा की स्टार्टिंग, इस ऑर्डर में स्टार्टिंग होती है मृदा की। इट हैज मिनिमल हॉरिजन डेवलपमेंट, इसमें सबसे कम हॉरिजन डेवलपमेंट होता है, सबसे कम लेयर दिखाई देती है इसमें, जो लेयर्स होती हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, विजिबल नहीं होती हैं, दिखाई नहीं देती, इसमें मिनिमल हॉरिजेंटल डेवलपमेंट होता है, हॉरिजन डेवलपमेंट मिनिमल है इसमें। यंग एम्ब्रियोनिक सॉइल, ये यंग एम्ब्रियोनिक सॉइल है, फ्यू डायग्नोस्टिक
हॉरिजन्स मोर डेवलपमेंट एंटी सॉयल, ये मोर डेवलप्ड है, मोर डेवलप्ड देन एंटी सॉयल, ये एंटी सॉयल से ज़्यादा डेवलप ऑर्डर है। फाउंड इन ऑल इंडिया, इस प्रकार जो इस ये ऑर्डर है इंसेप्टिसॉल, इंसेप्टिसॉल जो ऑर्डर है वो ऑल ओवर इंडिया में पाया जाता है एक्सेप्ट ऑफ एरिड एंड हॉट रीजन। एरिड मीन्स शुष्क और शुष्क क्षेत्रों को छोड़कर और हॉट रीजन्स को छोड़कर ये पूरे भारत में पाया जाती है, पूरे इंडिया में इंसेप्टिसॉल ऑर्डर पाया जाता है। इसके बाद हम बात करें सेकेंड ऑर्डर एंटी सॉल ऑर्डर। एंटी सॉल ऑर्डर क्या है, ये डोंट शो एनी प्रोफाइल, इसमें कोई भी प्रोफाइल डेवलपमेंट शो नहीं होता है देन ए होरिजन, जैसे कि ए होरिजन। ये सेकेंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्डर है, ये सेकेंड द्वितीय महत्वपूर्ण ऑर्डर है, सॉयल ऑर्डर है जो मुख्यतः पाया जाता है, मोस्ट अबंडेंट डिसेंटली अंडर द डेवलपमेंट सॉयल। ये सॉयल बनने की प्रोसेस में होता है, अंडर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट सॉयल है ये सॉयल बनने की स्थिति में होता है, सॉयल बनने में टाइम लगता है, तो ये उसी प्रोसेस में उसी उसमें होता है, सॉयल बनने के क्रम में होता है, ये अंडर डेवलप्ड है सॉयल। इट अकर्स इन एरियाज वेयर वेरी ड्राई एंड कोल्ड क्लाइमेट्स, ये इस प्रकार की जो मिट्टी हैं, इस प्रकार के जो ऑर्डर हैं, इस प्रकार के ऑर्डर हैं ये वेरी ड्राई एंड कोल्ड क्लाइमेट में पाए जाते हैं। इसके बाद थर्ड ऑर्डर के बारे में बात करें, थर्ड ऑर्डर इज हिस्टोसॉल ऑर्डर। हिस्टो ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड हिस्टोस से लिया गया है जिसका अर्थ होता है टिशू, जिसका मतलब होता है टिशू। तो हिस्टोसॉल ऑर्डर मीन्स टिशू, सॉयल दैट कंपोज्ड मेनली ऑर्गेनिक मैटर, ये जो ऑर्डर है हिस्टोसॉल ऑर्डर है ये मोस्टली ऑर्गेनिक, ये सॉयल जो होती हैं, सॉयल दैट कंपोज्ड मेनली ऑर्गेनिक, ये जो सॉयल्स हैं ये मुख्यतः ऑर्गेनिक मैटर की बनी होती हैं। इन सॉयल में मोर देन 20% ऑर्गेनिक पाया जाता है, तो जिन सॉयल्स में मोर देन 20% 20% से अधिक ऑर्गेनिक मैटर होता है उसे हम ऑर्गेनिक सॉयल बोलते हैं। लो बल्क डेंसिटी मीन्स इसमें लो बल्क डेंसिटी होती है, बल्क डेंसिटी इसकी लो होती है और हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। इस जो सॉयल है इस ऑर्डर की हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है और कॉमनली कॉल्ड, इसे हम ये ऑर्डर कॉमनली बॉग्स मोर्स और पीट्स, इसे बॉग्स मोर्स और पीट्स कहते हैं इस ऑर्डर को। वेरी डिफिकल्ट टू कल्टीवेशन, इसमें कल्टीवेशन करना डिफिकल्ट होता है बिकॉज ऑफ पुअर ड्रेनेज सिस्टम, पुअर ड्रेनेज के कारण इसमें जो कल्टीवेशन करना डिफिकल्ट होता है, मीन्स इसमें पुअर ड्रेनेज होता है इसी इस ऑर्डर में। नेक्स्ट ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर स्पोडोसॉल। स्पोडोसॉल मीन्स ये ग्रीक वर्ड स्पोडोस से लिया गया है, स्पोडो मीन्स होता है वुड एस, लकड़ी की राख, वुड एस आर एसिड सॉयल, ये जो सॉयल हैं ये एसिड सॉयल्स होती हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ सॉयल, इन सॉयल की जो प्रॉब्लम्स है ड्यू टू द लो प्रोडक्टिविटी, इसकी जो प्रॉब्लम्स है ये लो प्रोडक्टिव सॉयल्स होती हैं, कोर टेक्सचर्स एंड लो न्यूट्रेंट स्टेटस, मीन्स जो कोर टेक्सचर्स सॉयल होती हैं, जब कोर टेक्सचर्स होंगी, जब कोर टेक्सचर्स होंगी तो बीच में स्पेस ज़्यादा होगा सॉयल के, स्पेस ज़्यादा होगा तो न्यूट्रेंट जो होंगे लीचिंग के द्वारा नीचे चले जाएंगे, तो जो लो न्यूट्रेंट स्टेटस है इसीलिए इसमें लो न्यूट्रेंट स्टेटस होता है, कोर्स टेक्सचर सॉयल्स हैं लो न्यूट्रेंट स्टेटस है तो ये स्पोडो सॉयल हुआ। नेक्स्ट ऑर्डर इज ऑक्सीसॉल। ऑक्सीसॉल ऑर्डर की बात करें, ऑक्सीसॉल इज ए वेरी हाई वेदर्ड सॉयल, ये वेरी हाई वेदर्ड सॉयल होती हैं, फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ बर्ड्स, फाउंड इन इंटर ट्रॉपिकल रीजन्स, ये ट्रॉपिकल रीजन के अंदर पूरे विश्व में पाई जाती हैं। रेड सॉयल, रेड एलो कलर्ड,
रेड येलो कलर ड्यू टू द हाई कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। ये जो ऑक्सीसॉल जो ऑर्डर होता है, इसकी जो सॉयल होती है, इसका येलो कलर जो होता है वो होता है आयरन एल्युमिनियम एंड हाइड्रोक्साइड के कंसंट्रेशन के कारण। इसमें इन तीनों का मींस आयरन एल्युमिनियम और हाइड्रोक्साइड का हाई कंसंट्रेशन होता है, इसीलिए इसमें रेड और येलो कलर्ड होते हैं, रेड और येलो कलर्ड की दिखती हैं। तो ये ऑक्सीसॉल ऑर्डर हुआ। नेक्स्ट इज बर्टिसॉल ऑर्डर। बर्टिसॉल ऑर्डर ये इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। बर्टिसॉल आर क्ले रिज्ड सॉयल दैट श्रिंक एंड स्वेल विच चेंज मॉइस्चर कंटेंट। मीन्स इसमें क्या होता है, बर्टिसॉल में जो सॉयल्स होती हैं, ये जो जब इनमें मॉइस्चर पर्याप्त होता है तो ये सॉयल हो जाती हैं, और जब मतलब जब इनमें मॉइस्चर की कमी होती है तो मॉइस्चर के स्ट्रेस में सिकुड़ जाती हैं, और जब इनमें मॉइस्चर सफिशेंट होता है तब ये फुली सॉयल रहती हैं, मीन्स फैली रहती हैं। तो ये पूछ लिया जाता है किस ऑर्डर के अंतर्गत ये श्रिंकिंग एंड सॉयल मॉइस्चर कंटेंट का ये किस ऑर्डर में आता है, तो बर्टिसॉल ऑर्डर में। ये ब्लैक सॉयल जो होती हैं, ब्लैक सॉयल का ये करैक्टर्स होता है, जब इनमें मॉइस्चर सफिशेंट होता है तो ये सॉयल हो जाती हैं, मीन्स फैल जाती है ये मिट्टी, और जब मॉइस्चर की कमी होती है, मॉइस्चर का स्ट्रेस होता है, तब ये मिट्टी सिकुड़ जाती है, जिसके कारण इन मृदाओं में दरार आ जाती है, क्रैक्स आ जाती हैं। ब्लैक सॉयल्स होती हैं, इनमें क्रैक्स आ जाती हैं। एक्सपेंसिव क्ले मिनरल्स, इसमें एक्सपेंसिव क्ले मिनरल्स मॉन्ट मोरिलोनाइट, मीन्स ब्लैक जो सॉयल्स होती हैं इनमें क्ले मिनरल्स मॉन्ट मोरिलोनाइट इसमें पाया जाता है। एक्सट्रीमली डीप ए होरिजन नो बी होरिजन, एक्सट्रीमली डीप गहराई तक इसमें ए होरिजन पाई जाती है, बी होरिजन इसमें अनुपस्थित होती है, बी होरिजन नहीं पाई जाती है, बी होरिजन बर्टिसॉल ऑर्डर में या ब्लैक सॉयल्स में नहीं पाई जाती हैं। गोल्गी फॉर्मेशन क्या होता है, इसमें जब इसमें मॉइस्चर स्ट्रेस होता है, मीन्स मॉइस्चर की कमी होती है सॉयल्स में, तो क्रैक्स आ जाती हैं, क्रैक्स के द्वारा गहरी खाई बन जाती है, काफ़ी बड़ी बड़ी क्रैक्स बन जाती हैं, उसे गोल्गी फॉर्मेशन कहते हैं। डीप ब्लैक और ब्लैक कॉटन सॉयल्स, इसमें डीप ब्लैक और ब्लैक कॉटन सॉयल आती हैं इस ऑर्डर में। तो ये बर्टिसॉल ऑर्डर बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्डर है, इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलता है। मीन्स बर्टिसॉल ऑर्डर में ये सॉयल्स श्रिंक एंड सॉयल जो सॉयल्स होती हैं उसमें फैलने और सिकुड़ने की क्षमता होती है, मॉइस्चर जब सफिशेंट होता है तो फैल जाती हैं, मॉइस्चर का स्ट्रेस होता है, कमी होती है तो सिकुड़ जाती हैं, इस कारण इस मृदा में दरार आ जाती हैं, क्रैक्स पड़ जाती हैं। एक्सपेंसिव क्ले मिनरल्स मॉन्ट मोरिलोनाइट इसमें पाया जाता है। एक्सट्रीमली डीप ए होरिजन गहराई तक इसमें ए होरिजन पाई जाती है, बी होरिजन इसमें अनुपस्थित होता है, बी होरिजन नहीं पाया जाता है। गोल्गी फॉर्मेशन इसमें होता है, और डीप ब्लैक कॉटन सॉयल्स जो होती हैं, डीप ब्लैक कॉटन सॉयल इसमें इस ऑर्डर में आती हैं, बर्टिसॉल ऑर्डर में। नेक्स्ट इज एरिड सॉल। हम बात करें एरिड सॉल जैसा कि नाम से दिया है, एरिड मीन्स ड्राई, मीन्स डेजर्ट सॉयल जिन्हें बोलते हैं डेजर्ट सॉयल। कैल्शियम कार्बोनेट कंटेनिंग सॉयल्स एरिड रीजन्स, ये कैल्शियम कार्बोनेट इनमें पाया जाता है, ये एरिड रीजन सॉयल्स होती हैं, इनमें लो ऑर्गेनिक मैटर होता है। एरिड सॉयल जो होती हैं इनमें ऑर्गेनिक मैटर लो ऑर्गेनिक मैटर होता है। दे आर करेक्टराइज बाई द विंग ऑफ ड्राई मोस्ट ईयर लिमिटिंग लीचिंग। दे आर करेक्टराइज बाई बींग ड्राई मोस्ट, ये ड्राई मोस्ट ड्राई सॉयल्स होती हैं, ड्राई मोस्ट ईयर एंड लिमिटेड लीचिंग, और इसमें लिमिटेड लीचिंग होती है, लीचिंग की जो समस्या होती है लिमिटेड होती है। ऑर्डर नंबर 8, नेक्स्ट ऑर्डर इज अल्टीसॉल ऑर्डर। अल्टीसॉल क्या, अल्टीसॉल जो है
ये लैटिन वर्ड अल्टीमस से बना है। अल्टीमस मीन्स होता है लास्ट और अल्टीमेट, इट मीन्स होता है लास्ट और अल्टीमेट। ये रेड क्ले सॉइल्स इसमें होती हैं, अल्टीसोल ऑर्डर में रेड क्ले सॉइल्स आती है। नो कैलकेरियस मटेरियल्स, इसमें कोई भी कैलकेरियस मटेरियल नहीं होता है इन सॉइल्स में। डोमिनेंट क्ले मिनरल्स जो होता है अल्टीमस में कैलियोनाइट आता है, कैलियोनाइट क्ले मिनरल्स इसमें पाया जाता है। हैव लेस देन 10% वेदरेबल क्ले मिनरल्स एक्सट्रीमली एक्सट्रीम टू सॉइल। ये वेदरेबल क्ले मिनरल्स जो होता है 10% से कम होता है इसमें। हम बात करें मॉलिसोल्स, मॉलिसोल्स जो है लैटिन वर्ड मॉलिस से बना है। मॉलिस मीन्स होता है सॉफ्ट। सॉइल ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम थिक डार्क सरफेस हॉरिजन ए। इसमें क्या होता है, ये जो ऑर्डर है सॉइल ऑर्डर, सॉइल ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम थिक डार्क सरफेस ऑफ ए हॉरिजन। ए हॉरिजन डार्क सरफेस, थिक ए हॉरिजन होती है इसमें पाई जाती है, मोटी ए हॉरिजन पाई जाती है। बर्ड एग्रीकल्चर मोस्ट प्रोडक्टिव ऑर्डर, ये एग्रीकल्चर का सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रोडक्टिव ऑर्डर इन बर्ड मॉलिसस जो है सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव ऑर्डर है। इसमें सेमी एरिड टू सेमी ह्यूमिड एरियाज, इसमें सेमी एरिड टू सेमी ह्यूमिड एरियाज आती हैं। बेस सेचुरेशन इसका मोर देन 50% होता है और कैलकेरियस इसमें सॉइल्स होती हैं। फर्टाइल सरफेस हॉरिजन इज नाउन एज मॉलिक एपिडॉन, जो फर्टाइल सॉइल सरफेस की हॉरिजन होती है उसे मॉलिक एपिडॉन्स बोलते हैं। लास्ट ऑर्डर इज एल्फिसोल, एल्फिसोल ऑर्डर मीन्स एल्प से बना है। एल्प मीन्स होता है एल्युमिनियम एंड फेरस सल्फेट मीन्स आयरन, एल्युमिनियम एंड आयरन। सेमी एरिड एंड ह्यूमी एरिड एरियाज टिपिकली अंडर हार्डवुड फॉरेस्ट कवर, ये फॉरेस्ट से कवर होती हैं। मॉडरेटली लीच्ड सॉइल, इसमें मॉडरेटली लीचिंग होती है इन सॉइल्स में। इम्पोर्टेंट फॉर फूड एंड फाइबर प्रोडक्शन, जो एल्फिसोल ऑर्डर होता है ये इम्पोर्टेंट है फूड एंड फाइबर प्रोडक्शन के लिए, महत्वपूर्ण है एल्फिसोल ऑर्डर। जनरली फर्टाइल विद हाई बेस सेचुरेशन, इसका जो बेस सेचुरेशन होता है वो हाई होता है, 35% बेस सेचुरेशन होता है, 35%। कैल्शियम मैग्नीशियम और पोटास इसमें पर्याप्त मात्रा में इसमें होता है एल्फिसोल ऑर्डर में, और फाउंड मोस्टली इन लैटेराइट एंड रेड सॉइल्स, इसमें लैटेराइट और रेड सॉइल्स आती हैं। तो ये ऑर्डर जितने भी थे 7th अप्रोक्सीमेशन के अनुसार हमने डिस्कस किया, हमने जाना। मैं समझता हूँ आपकी समझ में आए होंगे और महत्वपूर्ण है, इनमें से एक नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, टॉपिक में दिया हुआ है। कल हम डिस्कस करेंगे इंडियन सॉइल्स, इंडियन सॉइल्स के बारे में हम कल चर्चा करेंगे, कल जानेंगे। निश्चित तौर पर आप इससे संबंधित टॉपिक वाइज और भी वीडियो हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, आप देखेंगे तो आप परीक्षाओं में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, मोस्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। थैंक यू।